हाय गाइस, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरी एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो होगा फैंसी बाजार ऑफ असम, जिसको आप असम की सरोजनी भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको सस्ते से लेकर महंगा सब सामान मिल जाएगा। तो बिना टाइम को बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले में तो आती है ये ट्रेंडिंग समर वाइब देने वाली इयरिंग, जो ओनली 50 रुपीज़ में मिल रहा था। फिर आती है ये पार्टी वेयर। आप अगर शादी वगैरह अटेंड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने साड़ी या फिर कोई भी ड्रेसेस के साथ। मैचिंग से आप खरीद लेना, ओनली 100 रुपीज़ में मिल रहा है। फिर आती है ये ट्रेडिशनल सा दिखने वाली इयरिंग, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर में मिल रहा था और बहुत सारी कलर से। इसका प्राइस था 50 रुपीज़। फिर ये ऐसा शॉप है जहाँ पे आप 10 रुपीज़ में कुछ भी खरीद सकते हैं। लिटरली गाइस, नेल पेंट वगैरह सब 10 रुपीज़ में मिल रहा था। बिंदी वगैरह मैंने भी थोड़ा बहुत खरीद लिया, क्योंकि मुझे रेगुलर यूज़ में चाहिए होता है। फिर आया ये बैग्स, जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पर, और इतना अच्छा कलर जिसका प्राइस है 250-300 ऐसे करके। ये सारे जीन्स मिले थे ओनली 400 रुपीज़ में। और आप ये मत सोचिएगा कि स्ट्रीट का बाज़ार है तो अच्छा नहीं मिलेगा, शायद मटेरियल वगैरह अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फ्रेंड ने खरीदा है, उसका बहुत अच्छा फिटिंग आया है एंड ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया वो जीन्स। एंड ओनली 400 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, आप अपना पसंद का कलर यहाँ से चूज़ करके खरीद सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड माई बैड लक इज़, मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ पर ऐसी प्राइसेस में बहुत अच्छा अच्छा जीन्स मिल रहा है और मैं बहुत दाम से खरीद रही थी भाई साहब। फिर आती है ये इयरिंग, जो 100-200 आपके पसंद के अनुसार दाम होगा। 100 रुपीज़ गाइस। ये सारे ट्रेडिशनल बैग्स हैं जो 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, और आप किसी भी ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ इसको कैरी करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। फिर आते हैं हम लोग शॉर्ट्स के दुकान में। ये 100 रुपीज़ करके शॉर्ट्स थे और वहाँ पे बहुत सारी टॉप का भी दुकान मिल रहा था। हम लोगों ने मैचिंग सा टॉप खरीद लिया। देन आ गए हम लोग शॉर्ट कुर्ती वाली दुकान में, जिसका प्राइस था 250 रुपीज़। सॉरी गाइस अगर मैंने नाम गलत बोला, वो शॉर्ट कुर्ती ही बोलते होंगे। एंड बहुत सारी कलर्स में मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। ऊपर ऊपर लगाओ तो, ऊपर लिए करो तो एकदम ऊपर। एंड ये क्यूट बैग्स 100 रुपीज़ की है। अभी तक हो चुका है इसका बर्बाद कितना यहाँ पे कितना बोला 500 और वहाँ पे भी बर्बाद कर गया ही है। कोई बात नहीं, फिर बोलते हैं मुझे रोका क्यों नहीं तुम लोगों ने। फिर मैंने 00 यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी कलर्स एंड डिज़ाइंस में कीचेन वगैरह एंड बैग्स वगैरह मिल रहे थे। आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हैं। और ये हूँ मैं जो अपना सामान ढूंढ रही हूँ। गाइस मुझे इजीली कोई भी सामान ना शॉपिंग के टाइम में पसंद नहीं आता, डेट इज़ माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये सब थे 100 रुपीज़ वाले जीन्स। सही वाले साइड है। वहाँ पे स्ट्रीट में बहुत सारी ऐसे आई ग्लासेस की दुकान मिल रही थी और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इसका प्राइस होगा। स्टार्टिंग है 100 रुपीज़ से, 300, 400, 200 ऐसे करके। ऑब्वियसली अगर बर्गेनिंग स्किल अच्छा है एंड आप बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग कम करके देंगे। एंड सॉरी गाइज, आप लोगों को ऐसी नौटंकी क्लिप्स देखने को मिलेगा मेरे आगे वीडियो में। एंड आप लोगों के सिर दर्द के लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ। देखो मेरे पास मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो तो आना चाहिए ना, मैं सब सॉल्व करके देता हूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। फैंसी बाजार के स्ट्रीट में आप सभी को बहुत सारे ऐसे फुटवेयर के दुकान मिल जाएंगे, जिसका प्राइस है 200-150 ऐसे करके है। आपको ट्रेडिशनल चाहिए कि वेस्टर्न चाहिए, शूज़ चाहिए कि आपको चप्पल चाहिए, आपके पसंद के अनुसार आपको कोई भी डिज़ाइन में मिल जाएगा। धूप बहुत तेज हो रहा है। फिर आ गए हम लोग दुपट्टा की दुकान में, जहाँ पे बहुत सारे कलर्स एंड बहुत सारे डिज़ाइन में मिल रहा था, जिसका प्राइस है 100-150-200 ऐसे करके। आपके पसंद के अनुसार उसका प्राइस होगा। आपको कॉटन का दुपट्टा चाहिए कि आपको नेट का दुपट्टा चाहिए, सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आ गए हम लोग दूसरी दुकान में, जहाँ पे मिल रहा था ये हेयर क्लिप्स, जिसका प्राइस था 150 रुपीज़। थोड़ा महंगा हो गया गाइस। और ये हेयर क्लिप, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, इसका प्राइस था 100 रुपीज़ करके। पसंद आया क्या भाई लोग? नेक्स्ट हम लोगों को ऐसी एक दुकान मिल गई जहाँ पे 10-20 रुपीज़ में सामान मिल रहा था, नील पेन वगैरह कुछ भी पसंद करो, जिसका प्राइस था 20 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़। विश्वास नहीं हो रहा तो सुन लो गाइस। 10-20 हाँ, क्यूट सी चीजें ना 10 रुपीज़ में मिल रहा था। अगेन हम लोग आ गए झुमका वाले दुकान में, क्योंकि हम लड़कियों की वीकनेस ही बोल सकते हैं हम लोग। तो जिसका प्राइस था 100 रुपीज़, 200-150 ऐसे करके। आप जो भी पसंद करेंगे उसके ऊपर प्राइस होगा। जो मैंने पसंद किया ये सब, इसका प्राइस था 100 रुपीज़ करके। गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत डिटेल्स में चीज़ों को दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आँखों में तो वैसे भी कुछ लगने वाला है नहीं।
फिर आगे हम लोग ये समर वाली कलेक्शन की दुकान में, जहाँ पे बहुत सारे से समर मटेरियल कपड़े मिल रहे थे, जिसका प्राइस था 100 रुपीज़ करके, जिसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। आप अगर बहुत सारे खरीद के लेके जाएंगे ना तो आपका पूरा समर चल जाएगा, बहुत अच्छा कपड़ा था ये। फिर आगे ये वॉच वाली दुकान में, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैंड वॉच मिल रहा था अलग अलग डिज़ाइन में, जिसका प्राइस 300, 400, 200 ऐसे करके था। हम लोगों को वहाँ पे बैग्स का भी बहुत सारा दुकान मिला, जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा बैग्स मिल रहा था, जिसका कलर वगैरह बहुत अच्छा लगा, मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसका प्राइस था 300 करके, और ये जो मैं पकड़ रही हूँ उसका प्राइस था 200। मुझे अभी तो गन्ना जूस खाना है, गन्ना जूस पीने आया है, और देखते हैं बाद में क्या खाते हैं। तुम क्या खाओगे? मुझे भूख लगी है, कुछ ऐसा खाऊंगा जिससे पेट भर जाए मेरा। तुम्हें पीना है? टोकर देखो कितना ट्राई कर रही है बोलने के। एंजॉय योर ड्रिंक, बाद में चीयर्स करेंगे हम लोग, लास्ट में मेरा वाला आ रहा है ना, दिस वन इज माइन। आओ चीयर्स करते हैं। चीयर्स। तेरे शादी का मिल गया साइकी। हाय ताले तू। फैंसी बाजार में न्यू मार्केट करके एक गली है, वहाँ पे हम लोग चले गए, और वहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडिंग कपड़े हम लोगों को देखने को मिले, और जिसका प्राइस काफ़ी ओके टाइप का था। एंड यहाँ के जो भी शॉपकीपर्स वगैरह थे ना, उन लोगों का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और फ्रेंडली बिहेवियर था सबका। वीडियो के लिए मैं 2 दिन वहाँ पे गई गाइस, तो सब्सक्राइब तो बनती है क्योंकि भाई ने बहुत मेहनत की है। वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कलेक्शंस देखने को मिला अलग अलग, एंड अभी जो चल रहा है वो सब देखने को भी मिला। एंड ये लोग जब आप ज़्यादा खरीदते ना तो ये लोग कम करके देते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट में दे देते हैं, और इसका प्राइस ओवर भी नहीं था एंड अंडर प्राइस भी नहीं था। एक्चुअल प्राइस कितना है? 400। और वो वाला 400। और ये शर्ट्स? शर्ट ये 500 है, ये 450 है, ये 300 है। उसके बाद हम लोग चले गए फैंसी बाजार की मस्जिद गली में, और यहाँ पे इतने सारे दुकान है ना, आप लोगों को कपड़ों से लेकर ज्वेलरी, बर्तन, सजावट की सामान सब यहाँ पे मिल जाता है अलग अलग दुकान में। ये लेवेंडर कलर की काफ़ी प्यारी हील्स मिल रहा था 400 रुपीज़ में। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी इस टाइम पे जो चल रहा है वैसा फुटवेयर मिल जाएगा अलग अलग, और ये मिल रहा था 300 रुपीज़ में। और वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पार्टी वेयर हील्स भी देखने को मिला, जिसका प्राइस था 400-500 ऐसे अलग अलग प्राइसेस थे सबके। यहाँ पे जब भी आता हूँ ना मैं भाई खो जाता हूँ। और वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे क्यूट बैग्स भी मिले, जिसका प्राइस था 100-150 ऐसे करके। और ये रहे ब्रांड कॉपी बैग्स, आप लोग सब जानते ही हैं, और इसका प्राइस ओवर प्राइस नहीं था यार, काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस था। और फिर आते हैं हम लोग, ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा दिख रही थी मैं, ये बॉटल जिसका प्राइस था 100 रुपीज़। वहाँ पे काफ़ी सारी कलरफुल डायरी देखने को मिल रही थी, क्यूट क्यूट सी, एंड यस ये सब हाइलाइटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार कलरफुल। एंड ब्लैक पिंक लवर के लिए कीचेन एंड BTS का भी बहुत सारा स्टफ़ मिला वहाँ पे। आपका अगर कोई दोस्त है इन सब का फैन तो डेफिनेटली आप गिफ्ट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत हवा खा लो गाइस। टाइप का बैग भी मिल गया, तुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए यार साइकी। यही तो ढूंढ रहा था मैं, अब ये लूँगा मैं कम से कम 200-300 रुपए में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। चॉपस्टिक्स खरीदूंगे, कितने डांगोर लगे लोग। क्लॉक क्लॉक अलार्म क्लॉक, ये देखना पांडा बना हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा लोग ना देखो मेरा, मुझे मत देखना कोई प्लीज। तुम लोग देख सकते हो, ये एक्ट्रेस लगाती ऐसे लेके फिरते हैं ना। हाँ, कोरियन एक्ट्रेस। इससे पहले वाली जो ब्लॉग थी ना वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बाद में दिखाऊंगी, तो यही लोग थे वहाँ पे। इन लोगों ने बहुत हेल्प किया मेरा वीडियो बनाने में, लेकिन वो लोग आने वाले नहीं थे आज, इसलिए मैंने तैयार करके लेके आई ताकि ये लोग आ सकते मेरे ब्लॉग में। दिन भर के थकान के बाद ये अच्छा लग रहा है। ये कैद ना मुझे दूर से लग रहा था कोई टॉय है, और मैंने सोचा कि कौन दुकानदार इसे छोड़ के चला गया है यार बाहर अपना सामान, लिटरली इतना क्यूट दिख रहा था। एंड रात तक
गाइस मैंने रात तक कुर्ती ढूंढा और मुझे एक भी कुर्ती अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं था मटेरियल वगैरह अच्छा नहीं है, सब अच्छा था, लेकिन मुझे जो चाहिए था ना मेरे प्रेफरेंस वाइज मुझे नहीं मिल रहे थे वहाँ पे सामान। और मेरी दोस्त ने भी बहुत ज़्यादा मदद की, फिर भी यार फेल रहे हम लोग। और इतना सारा घूमने के बाद हम लोग चले गए चिकन पकौड़ा खाने, जिसका प्राइस था 20 रुपीज़ करके। और खा पी के मैं फिर से शुरू हो गई मेरे काम में, और मेरा मिशन था आज एक तो कुर्ती ढूंढ के ही निकालनी है यार। दिन भर की टायर्डनेस दूर करने के लिए हम लोग चले गए फालूदा खाने, और वहाँ पे मैं पहले भी बहुत बार जा चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत टेस्टी सा बनाते हैं, बहुत अच्छा, और भैया एकदम स्माइल के साथ बनाते हैं। मैंने खाया ये बटर स्कॉच वाली, और मेरी दोस्त ने खाई केसर पिस्ता वाली। और ये आ गई मेरी बटर स्कॉच फालूदा, जिसको खा के मेरा पूरा मूड रिफ्रेश हो गया गाइस। और बटर स्कॉच ऐसे भी मेरी फेवरेट फ्लेवर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, ये जो फैंसी बाजार की व्लॉग शूट है मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया, मतलब 2 दिन जाके मैंने वहाँ पे वीडियो लिया है, क्योंकि मेरा भी खुद का सामान बहुत सारा ख़रीदना था वहाँ पे, और एक दिन में पूरा फैंसी बाजार कवर करना थोड़ा बहुत मुश्किल भी होता है। इतना सारा घूमने के बाद हम सबको थकान हो रही थी और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो हम लोग सब खाने के लिए आ गए और सब ने एक ही चीज़ ऑर्डर किया, चिकन नूडल्स। तो ये आ गया मेरा चिकन नूडल्स। और कैसा लग रहा है तुझे? तुम खा के बताओ यार। कैनेगा टेस्ट तो अभी मेरा खाना पीना हो गया ख़त्म, और अभी हम लोग जाएंगे रूम। और बस से जाओगे कि पैदल जाओगे? तो हम लोग बस से जाएंगे। इट वॉज अ ग्रेट डे, अच्छा लगा खाना पीना घूमना सब अच्छा लगा। और हाँ, रूम में जाके एंड करूँगी मैं वीडियो। एंड यस, मैं रूम आके वीडियो एंड करना भूल गई क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था। बट मैं लकी हूँ, मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स थी उस दिन की जो मैं लगा के इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ। एंड आज बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था, मैंने बहुत ज़्यादा घूमा, दोस्तों के साथ मस्ती किया, बहुत ज़्यादा खाना भी खाया, अलग अलग टेस्टी टेस्टी फूड। एंड मेरी मोटिव ये थी कि आप लोग इस मार्केट में जाए तो पहले से आप लोग अपना बजट तैयार कर सकते हैं, तो मैंने पूरी मार्केट को कवर किया ए टू जेड। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी नई नई वीडियो बहुत आएगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।